आज कानपुर में भारत सरकार के द्वारा आयोजित एमएसएमई कार्यक्रम के अंतर्गत जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है उसके लिए मुझे यहाँ पर आने का कार्यक्रम है बना है, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले जो हमारी समन्वय समिति है जिसमें संगठन के तीनों हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के क्षेत्र के पदाधिकारी जो समन्वय समिति का हिस्सा हैं, हमारे सभी जो जनप्रतिनिधिगण जिसमें हमारे माननीय विधायक भी माननीय सांसद भी उसमें शामिल रहते हैं, उनके साथ अभी विस्तार से संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा हुई। देखिए, लोकसभा या राज्यसभा में जो मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है, ऐसे किसी भी माननीय सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। आदरणीय राकेश सिन्हा जी उच्च सदन के सदस्य हैं और उन्होंने अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करने का श्री राम जन्मभूमि मामले में प्रयास किया है तो उनको अधिकार है इसका। लेकिन जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं और जो राम मंदिर निर्माण के मार्ग में रोज बाधा खड़ी करते हैं, अब उनको ट्वीट करके उनसे यह एक तरह से सवाल कि कोई एक तरफ भगवान भोलेनाथ जो हर समय भगवान राम के नाम का जप करते हैं उनके दर्शन भी करने के लिए जाते हैं और दूसरा राम मंदिर मामले में सुनवाई तक में बाधा डालने का काम करते हैं। जहाँ तक श्री अखिलेश यादव जी, जहाँ राम भक्त अयोध्या गए तो उनके पिताजी की सरकार थी तो गोली चली और अब वो भगवान विष्णु जी का मंदिर बनाने की बात करते हैं, तो ये एक जो है सब कुछ उस परिस्थितियों को देश की जनता समझ रही है, देख रही है। लेकिन मोदी जी के खिलाफ जो एक महागठबंधन बनाने का प्रयास हो रहा है, मैं यह मानता हूँ कि महागठबंधन में केवल नेता बचेंगे, जनता उनके साथ नहीं रहेगी। भाजपा इसको सकारात्मक रूप में ले रही है कि जनता के साथ जो धोखा करने का काम करते थे, वोट सबका लेना और तुष्टिकरण करके कुछ का साथ कुछ का विकास करना, वह देश की जनता समझ गई है। अब इन नेताओं को समझ में आ रहा है जिनके साथ अब जनता नहीं है, क्योंकि जब वोट की गिनती होगी, जब चुनाव होंगे, तो जो आज मैं कहूं कि आईसीयू में है, ये कोमा में जाएंगे। धन्यवाद। वोटिंग की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी जाती, ये भारतीय जनता पार्टी है और इस भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के 70% भूभाग पर राज्य सरकारों के माध्यम से हमारा शासन है और केंद्र की सरकार के माध्यम से पूरे देश में हमारा शासन है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2019 में 73+ सांसद जिता करके देगी।